भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर महानगर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में विकास हो रहा है। इस विधानसभा चुनाव में 37 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया, जिससे बहुमत से दोबारा प्रदेश में सरकार बन गया। दूसरी बार प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, जिससे जनता भाजपा के कामों को सराह रही है। महानगर के वार्डो में भाजपा के सबसे ज्यादा पार्षद चुनाव जीतेंगे। इस अवसर पर भाजपा के ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, सिद्धांतो घोष सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, सांसद आदरणीय नीलम सोनकर जी, गोरखपुर महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्ता जी, गोरखपुर ग्रामीण के महानगर अध्यक्ष प्रदेश का समिति सदस्य आदरणीय राहुल श्रीवास्तव जी, पूर्व महापौर आदरणीय जी देवेश श्रीवास्तव जी, इंदुमणि उपाध्याय जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। बैठक में सभी पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन की दृष्टि से आज और कल दो दिनों में सभी जिलों की योजना बैठकें हो रही हैं। उसी के क्रम में आज गोरखपुर महानगर की भी योजना बैठक है। इस योजना बैठक में आगामी दिनों में होने वाले नगर निकाय के चुनाव, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हों, चाहे वो नगर पालिका के हों, चाहे वो नगर पंचायत के हों, सभी नगर निकाय के चुनाव हमारे क्षेत्र में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है और 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच पूज्य महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर के भी दोनों के बीच एक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम भी चलेगा। विभिन्न प्रकार के अभियान इन 15 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने सरकार और संगठन दोनों मिलकर के काम करने वाले हैं। इन सब की दृष्टि से हर जिलों में योजना बैठक चल रही है, उसी के दृष्टि से आज गोरखपुर महानगर की भी योजना बैठक है। इन सारे अभियानों के बारे में, सारे चुनावों के बारे में एक व्यापक रणनीति बनाने का काम इस बैठक में होगा।